क्या शराबी के घर का खाना पीना जायज़ है या नहीं? शराबी की कमाई अगर जायज़ है तो उसका खाना पीना जायज़ है, लेकिन उसको तंबीह के तौर पर उससे कता ताल्लुक करना भी एक तरीका है कि अगर कोई शराबी है और शराब पीता रहता है और आप उससे ताल्लुक उसी तरह से बनाए हुए हो, ये भी मुनासिब नहीं है। अब यहाँ पर यह है कि अगर आपके उससे ताल्लुक तोड़ने से अगर वो सुधरता है तो आप थोड़े दिन उससे नाराज़ हो जाएं ताकि वो सुधर जाए, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उससे ताल्लुक तोड़ दोगे तो आज एक पी रहा है कल दो पिएगा, कोई रोकने वाला भी नहीं उसको, तो ऐसे आदमी से ताल्लुक तोड़ना नहीं चाहिए। शेख हुसैमी ने यह बात कही है कि लोगों से ताल्लुक तोड़ना उसका मकसद लोगों की इसलाह है। अगर किसी से ताल्लुक तोड़ने से वो डर के सुधर जाता है कि आपसे ताल्लुक तोड़ना उसको गवारा नहीं है, तो आप उससे ताल्लुक बात बंद करना, सलाम बंद करना, ये हल है उसके लिए कि वो डर के आपकी मोहब्बत में गुनाह छोड़ देगा, आपको नहीं छोड़ सकता वो। लेकिन किसी के नज़दीक आप इतने कीमती नहीं हो कि आप अगर उससे ताल्लुक छोड़ दो तो उसका दिल दुखेगा, आपको वो छोड़ सकता है, अपनी ख्वाहिश नहीं छोड़ सकता है, आप उससे ताल्लुक मत तोड़ो, अपना ताल्लुक उससे बनाए रखो ताकि आप नसीहत करने का मौका उससे पा लो। ये हिकमत है तर्क ताल्लुक में। तो अगर कोई आदमी शराबी है, अगर उसके दस्तरखान पर शराब का दौर चल रहा हो, आप उसके घर में खाना आपके लिए जायज़ नहीं है, खुसूसन उस वक्त में। लेकिन अगर कोई आदमी है कि वो छुप छुपा के कहीं शराब पीता है, लेकिन उसके यहाँ वलीमा है बेटे का या उसके घर में कोई दावत है जिसमें कोई खुराफात नहीं है, आप उसमें जा सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं, बशर्ते कि उसकी कमाई हलाल हो।